अलाइजा, अलाइजा की फुल फॉर्म होती है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो इंजाइम लिंक्ड प्रोसेस होती है ये, और इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। और इसके अंदर क्या रहेगा, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। जैसे हमारे शरीर में जब बाहर से एंटीजन एंटर कर जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, तो हमारा शरीर उनके प्रति एंटीबॉडी बनाता है, जो कि हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यून सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था। और इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो ज़्यादातर जो ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं उनमें एंटीबॉडी ही चेक की जाती हैं। अब जो हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो एंटीबॉडी तभी बनती हैं। यदि हमारे शरीर में एंटीबॉडी हैं तो वो किसी न किसी बीमारी का एक सिंबल शो करती हैं। तो हमारे शरीर में जो पैथोजन्स हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा, जो कुछ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन है, जैसे प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन यदि हमारे शरीर में है तो उसके लिए हम ये एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन यूज करते हैं। और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट पैथोजन, या तो हम ये बोल रहे हैं कि डिजीज को एंटीजन की प्रेजेंस से पता कर सकते हैं, या फिर एंटीबॉडी हमारे शरीर में सिंथेसिस हो रही है तो उस बेस पे भी हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कि डिजीज है या नहीं। तो पिक से समझते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पिक है, फर्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर क्या है कि हमने कुछ एंटीबॉडी है पेशेंट की बॉडी से उसको कैप्चर किया है और उसको फिर एक सरफेस के ऊपर अटैच किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटीजन को इसके ऊपर ऐड करते हैं और एंटीजन इनके साथ बाइंडिंग शो करेगा, और स्पेशल टाइप के एंटीजन ही स्पेशल टाइप के एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग शो करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाइंडिंग को देखने के लिए बाहर से जिस प्रकार का जो एंटीजन है उसकी हम एंटीबॉडी है वो बाहर से, इनका हमको पता होता है, उनको बाहर से हम इस सरफेस के ऊपर रन करवाते हैं। और उसके बाद जब ये एंटीबॉडी जो यही इन्हीं की एक टाइप का मतलब ये रेडियो एक्टिविटी लिए हुए हैं, बाकी जो सरफेस पे नीचे एंटीजन या एंटीबॉडी है वही एंटीबॉडी है ये भी। और जैसे इस एंटीजन के साथ में नीचे वाली एंटीबॉडी भी अटैच है और ऊपर वाली भी पर्पल कलर की भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो उसके बाद ये रेडियो एक्टिविटी लिए हुए हैं, और जैसे ही हम इसको एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रखते हैं तो ये रेडिएशन रिलीज करती हैं, और जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसका डायग्राम बन जाता है, और उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर उस प्रकार के एंटीजन की एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो गई है। तो एंटीजन मतलब एंटीजन जिस प्रकार का होगा उसी की पार्टिकुलर एंटीबॉडी वो बनती हैं, और एंटीबॉडीज को हम देख के नहीं बता सकते किस प्रकार की एंटीबॉडी ये बनी हुई है, तो उसको इस प्रोसेस के द्वारा ही हम चेक कर सकते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी बहुत जगह भी यूज की जाती है और वो इंट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। इंट्रैक्शन का मतलब है कि दो चीज़ें होती हैं और उनके आपस में, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन, जैसे डीएनए में हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बनती हैं, तो उसमें जब वो अटैचमेंट शो करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी में इमेज बन जाती हैं, और यदि वो अटैचमेंट नहीं शो करते हैं, जो भी हम बाहर से प्रोब यूज कर रहे हैं या फिर रेडियो एक्टिव सिग्नल यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ यदि कोई अटैचमेंट नहीं है तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं।